बम बम शकला कला कला का बम बम कर रही हूँ टिकटॉक पे मैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इंडिया आके, बहुत अमेजिंग फील हो रहा है। नासा से ऑफर आया मुझे, मैं चांद पे जा रही हूँ। किसी को आना है? हम दोनों को नासा का ऑफर आया है। अफवाह तो ये भी आती है कि मैं रॉकेट में, नासा से रॉकेट में ऊपर चांद की तरफ चली गई। सारा क्या मर्लिन खोपड़ा और उर्फी ही थोड़ी सारा क्रेडिट ले जाएगी, ये मेरे चेले हैं। फालतू लोगों को पब्लिसिटी अननेसेसरी दे रहे हो। मीडिया को मैंने 20 साल दिए हैं मेरे बॉलीवुड में, तो हम छप जाएंगे और हम स्टार बन जाएंगे। दुबई में बहुत अच्छा कमा रही हूँ। अब रिहाना को इस बार नहीं बुला रहे, इस बार राखी सावंत को बुला रहे हैं। हमारे देश के लिए कोहिनूर से ज्यादा सलमान खान जरूरी है इस देश के लिए। क्यों, तुझे मेरे पीछे का कैमरा लेना है क्या? अरे कोई ब्रांड को मत ब्रांड ये करो। यहां साइड है बेटा, हटना इधर से। ए हट भी, हट बैठ। हां हो गई एक बाइट। दोबारा कौन सा पानी? ब्लैक ब्लैक वाटर। ब्लैक वाटर ये काला पानी है। काला। अरे लगाना टेबल एक बार, लोग लेट आए, करवा दे बाइट। कुछ नहीं, बाइट करना इन लोगों को। लेट है आपका, जनता एक जनता बाइट कर लेते चार पांच। दो बैठ जाओ, बैठ जाओ ना। ए अरे चेयर लगा ना। अरे नहीं बैठा दो ना, चेयर दो ना, और लेट वाला बैठ जाओ, ऑडियो नहीं आएगा मैं। रुक जाओ ना, टेबल छोटा पड़ रहा है। हाँ छोड़ो, इतना बूम आएगी ना राखी जी। अरे हरी फोन छोड़े, चेयर दे पीछे से। थोड़ा सा आगे आ जाइए, पहले रख दो फिर वो आ जाएगी आगे। लाना लाना, बहुत रितेश रितेश लाना। क्या डरता है? आप आओगे नहीं आगे बीच में? डरता क्यों है? अभी आके बैठो। हेलो गाइस, राखी मैं मुंबई आ चुकी, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? काफी फैंस और हेटर्स दोनों वेट कर रहे हैं। फैंस और हेटर्स दोनों वेट कर रहे थे मेरा जी। वाओ दैट्स रियली नाइस। तो मुझे लगता है कि मैं इंडिया आ गई हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इंडिया आके, बहुत अमेजिंग फील हो रहा है। आई लव माय कंट्री। मैं भी आती जाती रहती थी, मैं दुबई भी रहती थी, यहाँ पे भी। यार आप लोग तो ऐसा बोल रहे हो जैसे कि मैं पता नहीं मेरा देश छोड़ के कहीं चली गई हूँ, ऐसा नहीं। मैं आती जाती रहती थी। अफवाह तो ये भी आती है कि मैं रॉकेट में, नासा से रॉकेट में ऊपर चांद की तरफ चली गई। तो क्या मैं चली गई क्या? तुम लोग कुछ भी, तुम्हारी अफवाह पे थोड़ी ना मैं रिएक्ट करती हूँ। एक्चुअली नासा से ऑफर आया मुझे कि मेरे लिए स्पेशल रॉकेट बनाया गया है, रॉकेट में बैठ के मैं चांद पे जा रही हूँ। किसी को आना है? आओ तुमको ले चलती हूँ घुमाने ऊपर।
कौन से प्लैनेट पे जाना, कौन से ग्रह पे जाना चाहते हो? नहीं छोटू तो रॉकेट के पीछे लटक के आएगा, उसको कौन से छोटू कौन से ग्रह पे छोड़ देना है उसको? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, आई एम सो हैप्पी, मैं दुबई में रहती हूँ, इधर भी रहती हूँ। या टेल मी राजीव मैम, आपसे जानना चाहिए कि ऐसा सुनने में लगा कि आपको आते ही अरेस्ट कर लिया जाएगा, आप यहाँ शूट कर रहे हैं, तो क्या सीन? तो तुम लोग वो किसी फालतू लोगों को पब्लिसिटी अननेसेसरी दे रहे हो, मेरे नाम से लोग पब्लिसिटी उठा रहे हैं, आपको मैं लग रही हूँ कहीं से? मैं तो यहाँ पे आके नायिका का शूट कर रही हूँ, मैंने आपको बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। लोग मेरे नाम की पब्लिसिटी उठाते हैं, उनको लगता है कि हम राखी के बारे में अच्छा तो नहीं बोलेंगे, कोई बोलेगा नहीं, कोई अपने गुनाह तो बताएगा नहीं, तो राखी के लिए बुरा बोलेंगे तो मीडिया हमें छापेगी। मीडिया इतनी वैली है, मीडिया को मैंने 20 साल दिए हैं मेरे बॉलीवुड में, मीडिया इतनी वैली है, उनको मालूम है पॉजिटिव बोलेंगे तो छापेंगे नहीं, राखी के लिए नेगेटिव बोलो, राखी की बुराई करो तो हम छप जाएंगे और हम स्टार बन जाएंगे। सत्य है, सत्य है। छोटू तुम, छोटू ये मेरा एंगल सही नहीं है, बोलूँ क्यों, क्यों बोलूँ? छोटू हम दोनों को नासा का ऑफर आया है, हमें रॉकेट चलाना है, चांद पे गड्ढे मिले हैं, तुझे मैं वहीं दफना के आ जाऊंगी। नहीं मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती, मेरी ज़िंदगी बहुत बेहतर है और बहुत अच्छी है, मैं बहुत अच्छा ग्रो कर रही हूँ, मैं दुबई में हूँ, दुबई में मुझे ऑफिशियली टिकटॉक ने साइन किया है और टिकटॉक से मैं दुबई में बहुत अच्छा कमा रही हूँ, वर्ल्ड लेवल में मेरे इतने फैंस हैं और टिकटॉक पर मैं बहुत ही बूम बूम कर रही हूँ, बूम बूम शकला कला कला का बूम बूम कर रही हूँ टिकटॉक पे मैं। और आप लोग को पता नहीं है ना, अब आप लोग अरे कहाँ ले जा रहे मेरी बैग? अच्छा हाँ ठीक है। दुबई में बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी मिल रही है, मतलब दुबई में इंडिया से सस्ती प्रॉपर्टी मिलती है, तो वहाँ पे मैं टिकटॉक पे जॉब करती हूँ और वहाँ पे मुझे बहुत अच्छी मेरी कमाई होती है और बस प्रॉपर्टी मैंने ले ली है। डेफिनेटली रोज़ जिम में जाऊँगी, रोज़ आप लोग आ जाओ, मेरा काला चेहरा विदाउट मेकअप ले लो, तुम लोग रोज़ आते हो, मुझे देश भर से इतनी गालियाँ मिलती है कि ये ऐसी क्यों दिखती है, अब आज मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ बताओ, लग रही हो ना? हाँ क्योंकि आप लोग शूटिंग पे आए हो, तो देश की जनता को बताना चाहती हूँ कि ये पैप्स हैं ना मुझे शूटिंग के बाहर विदाउट मेकअप मिलते हैं, इसलिए अब शूटिंग पे आप जाएंगे तो आप कैसे दिखेंगे? नॉर्मल दिखेंगे ना, जैसे घर में होते। अब स्विमिंग पूल में आप तैरने जाएंगे साड़ी पहन के तो नहीं तैरेंगे ना, हैं साड़ी ऊपर आ जाएगी नहीं आएगी, तो वैसे स्विमिंग कॉस्ट्यूम स्विमिंग पूल में पहना जाता है, जिम के कपड़े जिम में पहने जाते हैं, शूटिंग पे शूटिंग के कपड़े पहने जाते हैं, है ना गाइस? तो मुझे जज करना बंद करो। या आई डोंट थिंक सो मेरे कोई हेटर्स है, मेरे हीटर्स हो सकते हैं, मेरे हेटर्स नहीं हो सकते, मैं लोगों को गर्म करती हूँ, ठंडा करना मेरा काम नहीं है, आपको समझ में आया? क्या सारा क्या मर्लिन खोपड़ा और उर्फी ही थोड़ी सारा क्रेडिट ले जाएगी, ये मेरे चेले हैं, मेरी चेलियां हैं ये, मुझे बहुत अच्छा लगा, और उर्फी यहाँ फैन लगा के आई थी, दो एक फैन नीचे भी लगा लेती, मुझे बड़ा अच्छा लगा, वेरी इनोवेटिव वेरी आइकॉनिक उर्फी, स्टाइलिश है, मुझे अच्छा लगता है, रोज़ एक नया ड्रेस बनाती है। वो मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, मैं अलग अलग आऊँगी ना, आज का ये मेरा, मैं एक्चुअली यहाँ पे आई हूँ, मेरा नायका जो प्रोडक्ट है वो उसको लॉन्च करने आई हूँ, एक नया प्रोडक्ट, और उसके लिए मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे आके, और जो लोग मेरे बारे में गलत अफवाह फैला रहे उनको धन्यवाद नमस्कार, जितना आप मेरा बुरा बोलेंगे उतनी मैं आगे बढ़ूँगी,
जितना आप मेरा बुरा करेंगे मैं उतनी आगे बढ़ूंगी। और आप मुझे देख रहे, पहले से बेटर नहीं लग रही मैं? अंबानी की बेटी की शादी में भी तो जा रही हूँ मैं, सोचो। अब रिहाना को इस बार नहीं बुला रहे, इस बार राखी सावंत को बुला रहे हैं। क्या आप लोग खुश नहीं हैं छोटू? इसको ले जाना सर, नहीं घाघरा यही पकड़ेगा ना। सो इस बार मैं आप लोगों को डेफिनेटली बुलाऊंगी कि मैं राधिका अंबानी की शादी में मैं क्या पहनने वाली हूँ, है ना। फाइनली मैंने गुहार लगाई थी अंबानी जी को, उन्होंने मुझे फाइनली बुला लिया है। मुझे पूरे वर्ल्ड ने कहा कि आपको क्यों नहीं बुलाया। तो मैंने कहा मैं 5,000 करोड़ लेती हूँ एक परफॉर्मेंस का, हैं। रेहाना 1,000 करोड़ में आ गई है, वो भी फटे हुए कपड़े पहन के। अरे यार दिस इज़ नॉट गुड, मेरा जाने का टाइम हो गया। थैंक गॉड, ओके ओके ठीक है, ओके हो गया ना। कुछ और पूछना है नागालैंड के बारे में? करण अर्जुन के बारे में पूछना है? हाँ, जय महाराष्ट्र। चलिए क्या कहता, करण अर्जुन बड़ा हो गया है, तू छोटा होता जा रहा है छोटू। चले देखिए, अफसाना खान का मेरा गाना भी रिलीज हुआ, कितना अच्छा आ गया वो गाना, है कि नहीं? बहुत जल्द आ, हाँ जी, वो पकड़े भी गए हैं ना। हाँ, दैट इज़ वेरी सैड। कि मैं बस एक ही हाथ जोड़ के बोलूँगी सलमान भाई को कि वो बालकनी में आकर कभी ना खड़े, यू नो, ईद में और त्योहारों में आते हैं ना, तो उनके फैंस के लिए है ना, मुझे लगता है कोई भी बड़ी होटल बुक करके वहाँ पे आ सकते हैं जहाँ सिक्योरिटी हो। सलमान भाई, शाहरुख खान, मैं इनको क्योंकि वो जो लोग, शाहरुख खान अपनी छत पे चढ़ जाते हैं जाली वाली छत पे, सलमान भाई उनकी बैल्कनी में आते तो वो ना आए। अभी सबको मालूम है कि हर ईद के दिन वो बैल्कनी में आते हैं भाई, तो भाई अभी वो बैल्कनी में मत आओ, क्योंकि बैल्कनी के बाहर ही उधर निशाना हो गया ना। अरे बाप रे, मैं बहुत रोई हूँ, बताया मुझे जब पता चला, बहुत रोई हूँ, मैं दुबई में थी। तो भाई भाई से बालकनी में ना आए, बस सबको मालूम है, बच्चों को मालूम है कि ईद के दिन, यू नो, और ईद के दिन वो बालकनी में आके खड़े रहते हैं, तो एक साल पहले से लोग षड्यंत्र रचाते हैं। मुझे लगता है कि हमारे देश के लिए कोहिनूर से ज़्यादा सलमान खान ज़रूरी है इस देश के लिए, बिकॉज हमारे लेजेंड है। कोहिनूर लेकर आओगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा क्या, क्या मिलेगा? हाँ, तुम लोग पैसे के भेजे भागते हो। नहीं, हम सलमान जी, हमें सुरक्षित चाहिए। मोदी जी को गुहार है कि सलमान जी को जेड क्लास, एक्स क्लास, वाई क्लास सारी सिक्योरिटी दे। आप कंगना को, कंगना रनावत को आपने इतनी सिक्योरिटी दी बिना मतलब के, उन्हें तो उनके पीछे तो कोई भी नहीं था। तो सलमान खान को मुझे लगता है कि बहुत ही सिक्योरिटी देनी चाहिए, वो हमारे बॉलीवुड के लेजेंड भी हैं, मेरे भाई भी हैं, और एक गरीबों के मसीहा भी है, यू नो। चलो यहाँ से कल्टिस करूँ क्या? चलो क्यों, तुझे मेरे पीछे का कैमरा लेना है क्या? सब मैं जानती हूँ। राजा बहुत बदमाश हो गया। ये चोरी, हाय राखी जी, हाय
न्यू जोड़ी। बाय बाय न्यू जोड़ी।